तीन ऐसे क्रिप्टो करेंसी मैं आपको बताने वाला हूं जिसके अंदर आपने अगर $100 भी इन करके रखे तो आपके $100 हजारों डॉलर के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं आने वाले बुल रन के अंदर। अभी आप यहां पे बिटकॉइन की सिचुएशन को देखेंगे तो बिटकॉइन अभी यहां पे भैया $16,000 से $23,000 का पंप लगा चुका है और आने वाले फ्यूचर में यानी कि 2024 तक यहाँ पे बिटकॉइन की जो प्रिडिक्शन है वो यहाँ पे $1,00,000 की है, यानी कि बुल रन यहाँ पे प्रिडिक्ट किया जा रहा है और यहाँ पे आने वाले बुल रन के अंदर ये तीनों प्रोजेक्ट्स आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे जा सकते हैं। वीडियो तक लाजमी देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक छोटी से लेकर बड़ी अपडेट हर एक कॉइन के बारे में मिलती रहे। अगर हम बात करें नंबर 3 प्रोजेक्ट के बारे में तो वो है लवली इनू कॉइन। लवली इनू कॉइन अगस्त 2022 में काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट देने वाला कॉइन भी बन चुका था। आपको पता होना चाहिए कि जिन लोगों ने ₹1,00,000 भी उस टाइम लवली इनू कॉइन के अंदर एंटर किए थे वो यहाँ पे भैया $1,00,000 के अंदर कन्वर्ट हो चुके थे। अब लवली इनू कॉइन एक बार फिर से भैया बुल रन के अंदर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है और लवली इनू कॉइन के अंदर भी अभी तक पोटेंशियल है। अगर इस कॉइन ने बुल रन के अंदर अच्छी खासी रैली दिखाई तो भैया ये कॉइन भी आपको 1000x का प्रॉफिट दे जा सकता है। अगर आपने अभी तक लवली इनू कॉइन को परचेज नहीं किया तो आप अपने जो है वो पोर्टफोलियो में इसको भी ऐड करके रख सकते हैं और सिर्फ $50 से $100 की इन्वेस्टमेंट करके लवली इनू कॉइन को आपको लंबे समय तक रखना है। अगर हम बात करें सेकंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो यहाँ पे नंबर 2 के ऊपर आ जाता है भैया बॉन टोकन। जी हाँ दोस्तों, बॉन टोकन जो कि शिबिरम ब्लॉकचेन का टोकन है, इस टोकन के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। आपको MEXC ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर और यहाँ पे GAT.IO के ऊपर आपको ये अवेलेबल मिल जाता है। अगर आप चाहें तो शिबिरम ब्लॉकचेन आने से पहले बॉन टोकन को परचेज करके होल्ड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस कॉइन को लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं क्योंकि ये टोकन बनाइस एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट होगा। याद रखिएगा, बनाइस एक्सचेंज के ऊपर बॉन टोकन लिस्ट होगा क्योंकि ये एक DeFi प्रोजेक्ट का टोकन है, एक ब्लॉकचेन वर्जन टोकन है और यहां पे शिबिरम ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन होने की वजह से इस टोकन के अंदर भी काफी ज्यादा मैनिपुलेशन हो गई और यहां पे स्वैप का टोकन यानी कि शिबा स्वैप का टोकन होने की वजह से ये टोकन बनाइस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा और यही वो मौका होगा जब हम यहां पे बॉन टोकन से अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर भैया जो प्रोजेक्ट है वो है डोज एलोन मास। अगर आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट को एंटर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्योंकि ये प्रोजेक्ट भैया अभी तक जो है वो लिस्टिंग के अंदर नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी तो भैया डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट के अंदर भी कहीं ज्यादा वेज की निगाहें आएंगी और ये प्रोजेक्ट आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने का पावर रखता है। लंबे समय के लिए आप इस कॉइन को परचेज करके होल्ड कर सकते हैं क्योंकि जब बुल सीजन आएगा तो ये तीनों प्रोजेक्ट्स आपको माला माल कर सकते हैं। तो भैया बिगर सोचे समझे अगर आप चाहें तो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर एंट्री लेके लंबे समय के लिए यानी कि 2024 तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। उसी के साथ शिबा इनू कॉइन, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वो भी हम इस लिस्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं क्योंकि शिबा इनू कॉइन के अंदर भी बर्निंग स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पे जो बर्निंग है वो यहाँ पे शिबिरम ब्लॉकचेन के साथ स्टार्ट होगी। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि शिबा इनू कॉइन भी इस लिस्ट के अंदर आता है जो कि काफी ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है लंबे समय तक। और अगर आपने इन टोकन्स को अभी तक परचेस नहीं किया है तो आप अपने रिसर्च करके, मेरे ओपिनियन से ये तीनों प्रोजेक्ट काफी ज्यादा दमदार है। अगर आप चाहें तो अपनी खुद की रिसर्च करके कॉइन्स को परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी न्यूज काफी तक पसंद होगी। अगर आप इसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव न्यूज और जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहें और यहाँ पे आने वाले हर एक प्रोजेक्ट कवर करते रहे और हर एक अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तो ख्याल रखिएगा, हमें हरे कृष्णा।